नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को शानदार मैच में 14 रनों से हरा दिया। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच आज आईपीएल का 31वां मैच खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 14 रनों से हरा कर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति को अब बनाए रखा है। वहीं अब मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर होता दिख रहा है। आपको बता दें कि टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतारा, लेकिन मनन बोहरा के 45 और कप्तान विराट कोहली के 32 और ब्रैंडन मैकलम के 37 रनों की बदौलत टीम 167 रन बना पाई। हालांकि बेंगलोर का स्कोर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए यह भी बड़ा पन्ना। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की शुरुआत खराब रही है और उसके ईशान किशन और सूर्यकांत यादव के रूप में जल्दी जल्दी तो झटके लग गए। इसके बाद डुमिनी ने पोलार्ड के साथ मिलकर थोड़ा साथ निभाया, लेकिन ये दोनों भी कुछ खास नहीं कर पाए। कप्तान रोहित शर्मा तो पहली गेंद पर आउट होकर चले गए, लेकिन इसके बाद पांड्या बंधुओं ने टीम को मजबूत स्थिति में लेके आए और एक समय लग रहा था कि ये दोनों जिता देंगे, लेकिन टीम नहीं जिता पाए। आपको बता दें कि अंत में दो ओवरों में 31 रन की दरकार थी, लेकिन टिम साउथी और सिराज की शानदार गेंदबाजी के आगे बेंगलोर ने यह मैच शानदार तरीके से जीत लिया और मुंबई इंडियंस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में दो ऐसी गेंदें थीं जिन दो गेंदों पर 26 रन पड़े। आपको बता दें कि बेंगलोर की तरफ से दो बल्लेबाजों ने लगातार दो दो छक्के जड़े, वो भी नो बॉल पर, और जिसके कारण उन दो बॉलों पर 26 रन बने और वो 26 रन ही मुंबई के हार का कारण बने। अगर उन दो गेंदों पर 12 रन भी बनते तो शायद मुंबई ये मैच ना हारता। अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, बेंगलोर की जीत पर एक कॉमेंट तो बनता ही है।